इस बीच ठाणे में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। आपको बता दें, शिरगांव में घर पर बिजली गिरने से शख्स की जान गई है। कल्याण में खदान में काम करने के दौरान महिला समेत 2 की मौत की खबर आई। जी हां, तो महाराष्ट्र में जल तांडव और इसको लेकर आज भी है अलर्ट। कहां कहां? मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी के लिए अलर्ट जारी किया गया है। और ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में बिजली गिरने की संभावना है, इसको लेकर लोगों को अलर्ट किया गया। तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। पालघर, सिंधुदुर्ग में गरज के साथ बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। गर्ज के साथ हो रही बारिश के तहत किस तरीके से मुंबई में पिछले कई घंटों में हालात बिगड़ रहे हैं। मुंबई में भारी बारिश की वजह से इलाकों में जल भराव की एक और रिपोर्ट देखिए। नवी मुंबई के बेलापुर की ये तस्वीरें हैं, जहां कुछ ही घंटों की बारिश शहर का हाल बेहाल हो गया है। दक्षिण मुंबई के सबसे पॉश इलाके ब्रीच कैंटे की तस्वीरें देखिए। कई जगहों पर गाड़ियां लगभग पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आई। अब मुंबई कुर्ला रेलवे स्टेशन का हाल भी देखिए। ट्रैक पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ये तस्वीर मुंबई के शिवडी इलाके की है, जहाँ सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया है। मुंबई के दहिसर के नाके के पास ब्रिज के नीचे बारिश की वजह से पानी भर गया। ठाणे के कई इलाकों में आज जोरदार बारिश हुई। देर रात तक बारिश होती रही, जिससे लोग जहां तहां फंसे रहे। मुंबई के पवई आईटी के सामने की सड़क पर भारी ट्रैफिक जाम रहा। मुंबई के पुरला ब्रिज के हालात भी देखिए। देख सकते हैं कि ब्रिज पर किस तरह ऑटो की लाइन लगी है। मुंबई में बीएमसी कमिश्नर भूषण बारिश की स्थिति का जायजा लेने के लिए सीसीटीवी से निगरानी करते नजर आए। लगातार हो रही बारिश के बाद भिवंडी में कैसे एक परिवार पानी में फंस गया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भिवंडी शहर के 3 बत्ती इलाके की ये तस्वीर है। पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। सड़क के एक किनारे एक परिवार खड़ा दिख रहा है। इंतजार में है कि पानी कम हो तो वो सड़क की दूसरी तरफ जाए, लेकिन पानी की रफ्तार के आगे कोई चारा नहीं सूझ रहा। बताया जाता है कि ये परिवार, जिसमें बच्चे भी थे, सभी शाम को दुकान पर आइसक्रीम खाने पहुंचे थे। अचानक मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। लोग दुकान पर ही ठहर गए, लेकिन देखते ही देखते पानी दुकान तक पहुंच गया और फिर ये कमर तक आ पहुंचा। 3 बत्ती इलाके की अब ये तस्वीर भी देखिए। कार पानी में पूरी तरह डूबी है। बाइकों का हाल तो और भी बुरा था, कई दुकानों में भी पानी घुस गया है। मुंबई से सटे नाला सुपारा इलाके की ये तस्वीर भी भयावह है। मूसलाधार बारिश के बीच सड़क पर हर तरफ पानी ही पानी दिखा। गाड़ियों का निकलना मुश्किल था। ऐसे में देख सकते हैं कि लोग पैदल ही अपने घरों को जाते दिखे। गाड़ियां पानी में जहां तहां डूबी रही। तो मुंबई में बारिश ने कई लोगों की जान भी ले ली है। अंधेरी में ही एक महिला गड्ढे में गिर गई। रायगढ़ में एक महिला की नदी में डूबने से जान चली गई। मुंबई की बारिश ने इस महिला की जान ले ली। दमकल कर्मियों ने शव को करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला। आपको बता दें कि ये वही गड्ढा है जिसमें महिला गिरी थी। खबर के बाद काफी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। बताया जाता है कि मुंबई में हुई जोरदार बारिश की वजह से पानी भर गया था, जिसकी वजह से ये गड्ढा नहीं दिखा और महिला इस गड्ढे में गिर गई। बीएमसी के मुताबिक ये गड्ढा ड्रेनेज लाइन के लिए बनाया गया था, जो कि मेट्रो 3 के पास बना हुआ है। रायट के खोपोली का ये जेनिथ वाटरफॉल है। बारिश की वजह से ये उफान पर है, जिसकी चपेट में आने से 6 लोग पानी के बहाव में फंस गए। तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 5 लोगों को निकाल भी लिया गया, लेकिन एक लड़की की पानी में डूबने से मौत हो गई। महिला के शव को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया। मुंबई से सटे विरार रेलवे स्टेशन की एक दीवार गिर गई, जिसका मलबा पास में खड़ी गाड़ियों की छतों पर जा गिरा, जिससे गाड़ियों को भारी नुकसान हुआ। कई कार के शीशे भी टूट गए। इस बीच घाट कोपर के लक्ष्मी नगर इलाके का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। बड़े पैमाने पर जल जमाव दिख रहा है।